नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है और इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताते हैं। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हैं और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है। आशीष से हम जानेंगे आज के मार्केट का पूरा एक्शन, AGR बकाए पर ST में क्या हुआ ये हमें कुशल बताएंगे और साथ ही जानेंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट सेगमेंट में क्यों है मौके। कल आने वाले नतीजों पर फोकस रहेगा। PNB का अनुमान बताएंगी पूजा और कैडिला का अनुमान जानेंगे हम देवांशी से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा कारोबार रहा है। तो आज वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी बहुत ही शानदार रही। 2% की मजबूती के साथ निफ्टी 10,100 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा, वहीं बैंक निफ्टी में 755 अंकों की तेजी रही। आज बाजार में जोश भरने का काम मेटल, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों ने किया है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 367 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1131 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार कुछ कमजोर खुले मगर हर बीतते वक्त के साथ बाजार मजबूत होता हुआ दिखा और आखिर में निफ्टी 10,000 के पार बंद हुआ। आखिर आज बाजार में हुआ क्या? अमेरिकी बाजारों के उतार चढ़ाव और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी के चलते भारतीय बाजारों का नीचे खुलना तो तय था, लेकिन लोगों को समझ में एक बात आ रही है, वो ये कि अमेरिका में जो कुछ कमजोरी हुई वो 3 दिनों की तेजी के बाद हल्का फुल्का करेक्शन है। दूसरा, भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उस तनाव को बढ़ने की कोई खबर आई नहीं, तो वो भी राहत की बात थी। तीसरा, आज के सेशन में आप देखिए तो FIIs ने बिकवाली से हाथ थोड़ा रोका है, बेचा है कैश मार्केट में लेकिन सामने वायदा कारोबार में थोड़ा खरीदा भी, और जो भारी भरकम है ना, लगातार बड़ी बड़ी बिकवाली के आंकड़े आ रहे थे FIIs के, वो थोड़े से रुके। और चौथा, एक्सपायरी का दिन हो और एक्शन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो एक्शन पहले कमजोरी का था, लेकिन इसीलिए हम सुबह से ये बात कर रहे थे कि जितना गैप से खुले उतना बढ़िया, खरीदने का मौका होगा, बाजार रिवर्स होंगे ही सेकंड हाफ में, और वही होता हुआ दिखा है। फर्स्ट हाफ में थोड़ी कमजोर शुरुआत, कम कमजोर शुरुआत, फिर फिसले, और फिसलने के बाद जो बढ़े ना, आह लाजवाब, जो तेजी बनी है, जो दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए, पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर, और न सिर्फ 10,000 को पार किया, 10,100 के भी पार निकले निफ्टी पर, न सिर्फ 20,500 बैंक निफ्टी पर हुआ बल्कि 21,000 तक भी पहुंचे बैंक निफ्टी पर। तो आज का सेशन तो रिमार्केबल है, जहां पर निफ्टी पर करीबन 250-300 पॉइंट की तेजी स्क्रीन पर बनी, बैंक निफ्टी पर पूरे 1,000 पॉइंट की तेजी स्क्रीन पर बनी है खुलने के बाद, काबिले तारीफ है। तो बड़े दिनों बाद बाजार ने अच्छी ताकत के संकेत दिए, और वो भी ताकत के संकेत तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल है और चीन के साथ विवाद अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके बीच में बाजार ने दिखाया है दम, और दम ये कह रहा है कि निचले स्तरों से आ रही खरीदारी, और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर है, फुल फ्लेज, बहुत ही बढ़िया तेजी वहां पर भी होती हुई दिखी। तो एंजॉय कीजिए, बढ़िया तेजी चल रही है, बड़े अहम लेवल पर बाजार बंद हुए, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कल। अब हफ्ते का आखिरी दिन होगा, एक बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए, 5 दिनों बाद 10,000 के ऊपर बंद हुए हैं, तो अगर एक बढ़िया क्लोजिंग कल 10,000 के ऊपर मिले तो जोश कॉन्फिडेंस अगले हफ्ते के लिए और आता हुआ दिखेगा। ओके, ठीक है। लेकिन अब आज के मार्केट में खबरों के दम पर किन किन सेक्टर में एक्शन दिखा है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए। देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिली, ब्रॉड बेस्ड रैली थी, सभी सेक्टर से पार्टिसिपेशन देखने को मिला। खास बात यह रही
कि 10 जून के बाद निफ्टी ने 10,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और बढ़िया खरीदारी का रुझान अक्रॉस द सेक्टर देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर आज फ्रेश खरीदारी की पोजीशन बनी, यानी तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। मुथूट फाइनेंस यहां पर देखें तो ओपन इंटरेस्ट लगभग 108% बढ़ते हुए नजर आया। BHEL में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली, 29% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। मनप्पुरम और बजाज फाइनेंस, ये भी तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग की रैली में आज देखें टाटा मोटर्स, GMR इंफ्रा और JSPL में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और बाजार की तेजी में देखिए लीड किया निफ्टी बैंक ने और बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार की तेजी को आउट परफॉर्म किया। कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में बहुत बढ़िया उछाल देखने को मिला। ग्लोबल संकेत बढ़िया थे जिसके चलते वेदांता, टाटा स्टील, नालको और हिंडालको सभी बढ़िया बढ़त के साथ बंद हुए। सरकारी कंपनियों में कहीं ना कहीं अब सबको वैल्यू नजर आ रही है, जिसके चलते कल हमने देखा था कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने जो ट्वीट किया उसका असर BHEL पर देखने को मिला। साथ ही BEL, कोल इंडिया और कॉन्कॉर्न में भी बढ़िया सस्टेनेबल खरीदारी दिन के दौरान देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स देखिए यहाँ पर बाजार से कहीं ना कहीं इनवर्स कोरिलेशन साबित होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि बाजार में गिरावट होती है तो फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिलती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो दिग्गज कंपनियां हैं वहां पर थोड़ा ट्रेंड बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन के हिसाब से देखने को मिला, क्योंकि AstraZeneca, लूपिन, हाइकिल और बायोकॉन ये हल्की गिरावट के साथ यहाँ पर ऊपरी स्तर से हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। यानी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो आज के बाजार में भरपूर था, सभी सेक्टर में लगा। आप सिर्फ फार्मा को छोड़ दें तो सभी में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन एक खास बात और रही आज के सत्र में, अगर आप देखें कि हमने जो मालामाल वीकली सेगमेंट की शुरुआत की इगार्शी मोटर्स के साथ, वहां पर भी जोरदार एक्शन देखने को मिला। 20% के ऊपरी सर्किट पर ये स्टॉक बंद हुआ, दिन के दौरान पूरे टाइम हमने देखा है तेजी बरकरार देखने को मिली। तो जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ, कल फिर 9 बजे हम आपको ऐसा ही एक फंडामेंटली मजबूत स्टॉक बताएंगे जो आगे जाकर मल्टीबैगर साबित हो सकता है। ओके ठीक है, अब रुख करते हैं अपने खास मेहमान का और हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा आपसे सवाल होगा कि आज के बाजार को देखते हुए आगे के लिए आपका अंदाजा मार्केट में क्या लग रहा है, और ऐसे में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे ऐसे मार्केट में तो कहाँ पर लेना चाहिए? जी मृत्युंजय, देखिए मार्केट आज का जो रुख था इससे साफ है कि मार्केट में पॉजिटिव एक मूड है और बायस कंप्लीटली पॉजिटिव है। जैसे अनिल जी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि ग्लोबल मार्केट में एक करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन कल देखने को मिला था। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन अभी तक सोल्यूशन नहीं आया सामने, पर इसके बावजूद इंडियन मार्केट ने थोड़ा नीचे खुलने के बाद अच्छा खासा रिकवरी दिखाया और 10,100 के ऊपर बंद हुआ। तो साफ ये है कि बाजार जो बुरी खबरें आ रही है वो डिस्काउंट कर रहा है और एक कोशिश है मार्केट ऊपर जाने का। तो हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली बाजार फिर यहाँ से भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी और उम्मीद यही रहेगी कि मॉनसून जैसे ठीक ठाक हो रहा है और मॉनसून का प्रोग्रेस अगर ठीक ठाक रहा और इकोनॉमी में अगर और कोई बहुत बड़ा लॉकडाउन जैसा कोई समस्या सामने नहीं आए तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि FIIs जो कहते हैं हम, वहां पे उनके तरफ से खरीदारी में ऐसा कुछ स्लोडाउन देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत बिकवाली बीच बीच में आ रहा है पर वो बिकवाली आने के बाद फिर खरीदारी भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ग्लोबल इन्वेस्टर का रिस्क ऑन मूड अभी भी बरकरार है और जब तक ये रिस्क ऑन मूड रहेगा तब तक इंडियन मार्केट में खरीदारी देखने को मिलेगा। ओके ठीक है, और कोई ऐसे मार्केट में सर कुछ पोजिशनल ट्रेड आपको दिख रहा है अगर कोई करना चाहे तो? देखिए मृत्युंजय, पोजिशन अलर्ट ट्रेड बहुत जगह में की जा सकती है। एक तो मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा रूरल फोकस्ड जो बिजनेसेस है उस पे, क्योंकि रूरल इंडिया में जो रिकवरी देखने को मिल रहा है और मॉनसून ठीक ठाक होने के कारण उम्मीद यही है कि रिकवरी का पेस जारी रहेगा। सरकार के तरफ से भी जो सपोर्ट दिया गया है एग्रीकल्चर को उसका भी बेनिफिट रूरल इंडिया को मिलेगा। पिछला क्रॉप रिकॉर्ड हुआ है, MSPs अच्छे हैं, तो सारे जो लक्षण है रूरल इंडिया में कंजम्पशन वापस आने का है। तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको जैसे FMCG कंपनी का बात कर सकते हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी जो कि जहाँ पे रूरल इंडिया में अच्छा पेनिट्रेशन है जैसा वोल्टस, इसकी बात कर सकते हैं।
या ट्रैक्टर जिसके सेल्स के नंबर बहुत अच्छे आंकड़े आए लॉकडाउन के माहौल में भी, तो ये ट्रैक्टर कंपनीज जो है वहां पे ध्यान दिया जा सकता है, रूरल फोकस्ड एनबीएफसी पे ध्यान दिया जा सकता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी पे ध्यान दिया जा सकता है, तो ये सारे जो कंपनीज है यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एजीआर भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आज की सुनवाई के क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या हुआ है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल बताइए। जी, तो सुप्रीम कोर्ट में आज एजीआर मामले पर जो हियरिंग हुई उसमें दोनों पक्षों ने अपने स्टेटमेंट्स और व्यू पॉइंट्स रखे, जिसमें अगर टेलीकॉम कंपनियों के व्यू पॉइंट्स पर नजर डालें तो सभी टेलीकॉम कंपनियों ने 20 साल का समय सीमा मांगी एजीआर का बकाया चुकाने के लिए। साथ ही भारतीय एयरटेल ने यह बोला कि 10,800 करोड़ रुपए की राशि जो है एज बैंक गारंटी ऑलरेडी डीओटी के पास जमा है, और वोडाफोन आइडिया ने भी बोला कि 10,000 करोड़ रुपए की राशि जो है उन्होंने भी डीओटी को दी हुई है। पर उनसे जब ये पूछा गया कि आप फ्रेश बैंक गारंटी दे सकते हैं कि नहीं, तो वो ये बोल रहे थे कि वो इस सिचुएशन में नहीं है कि नई बैंक गारंटी वो क्रिएट कर सके। इनफैक्ट उनसे उनको अगर ये कहा जाए कि आप आने वाले दिनों में ही इस एजीआर पेमेंट का भुगतान कीजिए तो हो सकता है कि उनको ऑपरेशंस अपने वाइंड अप करने पड़े, ऐसा वोडाफोन आइडिया ने चिंता जताई थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था वो वोडाफोन आइडिया पर काफी स्ट्रिक्ट निकल कर आया। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि अगले 20 सालों में अगर वोडाफोन आइडिया डिफॉल्ट कर जाता है और जो है बैंकक्रप्ट हो जाता है तो फिर सरकार उस सिचुएशन में क्या करेगी। और उन्होंने ये भी पूछा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो बैंक गारंटी क्यों नहीं दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अभी तक जो भी आपने चुकाया है वो करीब 12% ही है टोटल एजीआर भुगतान का, तो आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट भी डिपॉजिट करना होगा। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जनरली सभी टेलीकॉम कंपनी के लिए कहा कि ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने पूरा बिजनेस किया है लॉकडाउन के दौरान, और अब सरकार को जो एजीआर बकाया है उसकी ज़रूरत है ताकि वो पब्लिक वेलफेयर में उस फंड का इस्तेमाल कर सके। अब अगली जो हियरिंग है वो 3rd week of July में होनी है, और इस बीच डीओटी जो है वो जितने भी प्रस्ताव समय सीमा को लेकर गारंटी को लेकर जो भी प्रस्ताव सबमिट किए गए हैं टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उसको असेस करेगी और उसके बाद इस पर फैसला सुनाएगी। ओके, अब सुदीप जी, जो आज की सुनवाई हुई है और जो कुशल ने भी हमें डिटेल बताया, इसको देखते हुए आपका क्या अंदाजा लग रहा है टेलीकॉम कंपनियों को लेकर आगे के लिए? जी देखिए, जैसे कुशल ने बताया और जैसे साफ आ रहा है कि हम लोगों को पहले से भी मालूम है कि वोडाफोन आइडिया का स्थिति बहुत नाजुक है। अगर 20 साल का टाइम इन लोगों को मिलता है देने के लिए तो शायद दे विल सर्वाइव। भारतीय एयरटेल का स्थिति बेहतर है, उन्होंने कुछ फंड रेज भी किया है पिछले दिनों में, तो हम लोगों को लगता है कि भारतीय एयरटेल स्टेबल है। पर यहाँ पे मैं एक दूसरा मुद्दा सामने लाना चाहूंगा कि ये सब एजीआर इशू के बाद भी एक बहुत बड़ा इशू टेलीकॉम कंपनीज के सामने है, वो है 5G का ऑक्शन। ये 5G का ऑक्शन मृत्युंजय जी होने वाला है, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 3 महीना 6 महीना 9 महीना 5G का ऑक्शन जरूर होगा, और ये 5G का ऑक्शन में बहुत बड़ा रकम इनको भरना पड़ेगा अगर ये पार्टिसिपेट करके अपना कंपिटिटिवनेस बरकरार रखना चाहते हैं। तो इस माहौल में वोडाफोन आइडिया का स्थिति और भी नाजुक होने की संभावना है। ये कहा नहीं जाता कि कैसे वो 5G में कम्पीट करेंगे, आज AGR में 20 साल का इनको टाइम मिल भी गया तो, और भारतीय एयरटेल के लिए भी ये बहुत बड़ा दिक्कत सामने आ सकता है क्योंकि ये बिडिंग में रिलायंस जरूर बिड करेगा। तो स्थिति अभी भी नाजुक है इंटायर टेलीकॉम सेक्टर में, तो अगर टेलीकॉम में किसी निवेशक को निवेश करना है, बेट लेना है, तो अगर सेफ रहना है तो हम तो यही सलाह देंगे कि रिलायंस में निवेश कीजिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आएंगे, कैसे नतीजे रह सकते हैं, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा बताइए।
जी, पीएनबी के कमजोर नंबर्स आने की उम्मीद है. एनआईए की अगर बात करेंगे तो वहां पर सपाट ग्रोथ रहेगी, कोई भी ग्रोथ यहां पर देखने को नहीं मिलेगी. और प्रोविजनिंग को भी लेकर जो स्ट्रीट की राय है वो काफी बढ़ी हुई है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 2,720 करोड़ तक की प्रोविजनिंग इस बार बैंक को करनी पड़ सकती है, उससे अधिक भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बैंक पिछले काफी समय से प्रोविजनिंग स्ट्रेस एसेट के सामने करती हुई आ रही थी. पिछले साल की अगर बात करें तो करीब 10,000 करोड़ की प्रोविजनिंग ऑलरेडी बैंक कर चुकी है. तो इस बार मॉरेटोरियम खातों के सामने कितनी करती है ये देखना होगा. लेकिन इस बार भी बैंक घाटा ही दर्ज करेगी, करीब 4,320 करोड़ का घाटा दर्ज करेगी. पिछले साल भी बैंक ने घाटा ही दर्ज किया था. अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिलेगी, 16.3% के पास आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है. एक वजह ये भी थी कि रेजोल्यूशन की प्रक्रिया भी काफी धीमी थी, तो उससे ठीक तरीके से रिकवरी भी नहीं हो पाई. तो इन सबका इम्पैक्ट इस बार के नतीजों में दिखाई देगा. कॉमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी मर्जर से जुड़े और मॉरेटोरियम लोन के बयान पर किस तरह के कमेंट्स निकल कर आते हैं बैंक की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना. लेकिन नतीजे कमजोर ही रहेंगे पीएनबी के. ओके, ठीक है. कैडिला के नतीजे भी आने वाले हैं. कैडिला के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है ये बताने के लिए देवांशी जुड़ी है. बताइए देवांशी. केरला के आंकड़े इस तिमाही में मिले जुले रहने का ही अनुमान बनता हुआ दिख रहा है. सबसे पहले अगर आप आई पर नजर करें तो इस तिमाही में यूएस में कंपटीशन काफी ज्यादा थी इसके चलते, और साथ ही जो ऊंचा बेस था इसके चलते भी आई में ज्यादा बढ़त आने का अनुमान नहीं है. जो सहारा आएगा वो डोमेस्टिक मार्केट से आता हुआ दिखेगा. घरेलू बिक्री करीब 8 से 10% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. कुल मिला के जो आय है करीब 3 से 4% तक बढ़ती हुई दिख सकती है. इसके अलावा अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे गिरावट आने की आशंका दिख रही है. सबसे पहले तो जो लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें थी इसके चलते थोड़े से खर्च बढ़ते हुए दिखे थे, और इसके अलावा भी जो प्रोडक्ट मिक्स है इसके चलते मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव रहने की आशंका बनती हुई दिख रही है. इस तिमाही में आप देखिए कामकाज मुनाफा 3 से 4% तक घटता हुआ दिखेगा, और मार्जिन्स आप देखिए 21% से घटकर करीब 20% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है. मुनाफे में देखना होगा कि टैक्स खर्च में कितना ज्यादा कम आता हुआ दिखता है, लेकिन कुल मिला के जो मुनाफा है वो करीब 8 से 9% तक कम होने की आशंका बनती हुई दिख रही है. इन ऑल जो नंबर्स हैं थोड़े से मिक्स आएंगे, लेकिन अहम होगा ये देखना कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है. सबसे पहले तो जो एचसीक्यू के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं कंपनी को, इससे कितना ज्यादा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है, कितनी नई पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल्स मिलने बचे हैं उस पर भी नजर रहेगी. और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि कोरोना के चलते क्या स्टेप्स है या क्या अपडेट्स है इस पर भी नजर रहेगी. तो कमेंट्री काफी अहम है, लेकिन अगर नंबर्स देखें तो इस बात थोड़े से मिक्स रहेंगे. मार्जिन्स पर ज्यादा असर आता हुआ दिखेगा, और देखना होगा कि यूएस मार्केट्स किस तरह से बढ़ते हैं. अब हम रुक करते हैं हमारी खास पेशकश शर्मा जी के ऑप्शन का. और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं वीके शर्मा साहब. शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. कल के बाजार में, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कल के मार्केट में ऑप्शन के जरिए आपको कमाई के मौके कहां पर दिख रहे हैं? जी नमस्ते मृत्युंजय. मैं समझता हूं कि बजाज फाइनेंस जिसने आज लीड किया निफ्टी के अंदर, तो वो कल भी आपको चार हाथ और दिखा सकता है. और 2600 की कॉल मैं यहाँ पे लेने के लिए बोलूंगा जून महीने की. 66.80 रुपए इसका लास्ट क्लोज था, तो आप CMP पे ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसका रखे 50 रुपए. टारगेट इसका 95 रुपीज, यानी 95 रुपए. ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका करीब 250 शेयर का मार्केट लॉट है. ऑल द बेस्ट मृत्युंजय. ठीक बात है. बहुत जी जी सर बताएं. ये ऑल द बेस्ट बोला आपको. थैंक यू. तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए. चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कल के बाजार में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए.